तो हम अब आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। 2 दिन से हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे थे। हेलो, गिव यू मास फर्स्ट रूम नंबर, रूम नंबर 529। ओला मुस्तफा, ओके ओके, सो हियर वी आर। और अब हम आए हैं अपना नाश्ता करने के लिए, जो 2 दिन से हम नहीं कर रहे थे। अब नाश्ता करते आइए। ओके, तो हमने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। तो ब्रेकफास्ट ये आप देख सकते हैं कि इसमें ऑमलेट वैसी तमाम चीज़ें तो हैं ही, फ्रूट्स वगैरह, और उसमें देसी चीज़ें भी इन लोगों ने रखी, जैसे कि अंडा गुठाला और आलू भुर्जी, ये बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने रखी हैं। और ब्रेड में इन लोगों ने ये जो यहाँ की ब्रेड है, खुबूस बोलते हैं इसको, तो हमने अपने देसी स्टाइल से इसको खाने की कोशिश करी। अच्छा है या कम है कर रही है जो नाउ अभी जी। अच्छा, नहीं अभी चल रही है। तो अच्छा, हम अपने होटल के नीचे जो मेट्रो स्टेशन है उसमें आ गए हैं, और आज हम जा रहे हैं मिरेकल गार्डन और एक दो जगह और जा रहे हैं, और बड़ा मज़ा आने वाला है। आइए हमारे साथ। आ गए हम अपने नीचे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और हम जा रहे हैं बनियास। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, बनियास पे हम लोग जो तहसीन भाई का होटल है वहाँ से उनको लेंगे, वहीं पर ही नज़ीर अंकर हैं उनके होटल में ही, वहाँ से फिर हम उनकी कार में इन इन जगहों पे जाएंगे, आपको बताते हैं। खड़े हुए वो लोग हमारे इंतज़ार में खड़े हुए, और हम लोग जा रहे हैं उनके पास। यहाँ पर बोला था उन्होंने मेरे को, आज उन्होंने बोला था, आ जाओ एक मिनट। जा रहे हैं लियारी की तरफ, जा रहे हैं लियारी पे खाना खाएंगे अच्छे लगे। ओके, सो हियर वी आर, हम मौजूद हैं दुबई मिरेकल गार्डन में, और यहाँ भी मैं पहली मरतबा आया हूँ, और बहुत खूबसूरत लग रहा है बाहर से तो, और अंदर चल के देखेंगे क्या और क्या चीज़ें इन लोगों ने अंदर रखी हुई हैं। आइए, कहाँ घूम रहे हैं और कहाँ पर हैं, किस जगह पे हैं, अब लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कहाँ पर। ऐसी मासूम से फोटो खींच के भेज दे। वाओ, सो हेयर वी आर इन ग्लो, सॉरी मिरेकल गार्डन, क्योंकि कल हम लोग ग्लोबल विलेज हो गए हैं, तो मेरे ध्यान में वही चल रहा था। वाह 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 वाह, देख सकते हैं आप कितना ही खूबसूरत इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये तमाम ग्रीनरी और फ्लावर्स एंड तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, सब चीज़ें इन लोगों ने जो है यहाँ पर लेके आए हैं, और वाकई जन्नत लग रहा है। वाह वाह वाह, मैंने सुना था कि जन्नत बनाया पर, लेकिन जन्नत लग रहा है वाकई भी। देख सकते हैं कि हम मिरेकल गार्डन में मौजूद हैं, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का एटमॉस्फेयर इन लोगों ने बनाया हुआ है, और जो जो लोग होकर आए हैं उन लोगों ने यही बताया कि ये जन्नत का मंजर पेश कर रही है जगह, और वाकई जिस तरह की फूल बाग वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, तरह तरह के फूल देखते हैं कौन से फूल हैं।
तो मैं आपको दिखाएं ये खूबसूरत, देख रहे हैं आप कि ये डॉल कह लें इसको या स्टैचू कह लें जो इन लोगों ने बनाया है, और ये राउंड कर रहा है और बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है। मतलब इतना ग्रीनरी तो खैर वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो इन लोगों ने यहाँ पर फूलों का इस्तेमाल किया है, आई थिंक ये फूल सारे आर्टिफिशियल है, नहीं रियल है, ये फूल रियल है। गो फास्ट, सही है, ये सामने आप देख रहे हैं कि जिनी बनाया हुआ है। क्या बोलने में नितिन अंकल, अंदर जा शेख बना। देख सकते हैं का ऊपर का आसमान ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आसमान ये इसी के ही कलर का बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है मैं बता नहीं सकता। और अब जो है ये वक्त जो है इवनिंग की तरफ जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाह 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 वाह, देख रहे हैं आप जब स्मर्फ बनाए हुए, ये जो कार्टून करेक्टर हैं स्मर्फ के बहुत मशहूर हैं ये बनाए हुए यहाँ पर। और ये सफ़ू को नजीर अंकल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कार्टून की ये अब इसको थोड़ा नीचे उतार दो, ये देख रहे कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, ये देखिए वाह, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना खूबसूरत। अच्छा यहाँ पर एक कैसल भी बनाया हुआ, कैसल टाइप का कुछ बनाया हुआ, बॉर्डर वाह वाह, ये देख रहे हैं आप स्टेशन इज नियर गेट नंबर 2, क्या बोलते हैं इनको, आई थिंक लड़ी बोलते हैं उसको, लड़ियाँ बोलते हैं ना, क्या कहते हैं वो ही है। देखिए नजीर अंकल ने सफ़र, नजीर अंकल एक मिनट, नजीर अंकल नजीर मिनट यार अल्लाह का हौसला, फिर रुक तो जाइए, खुले तो है ना, खुले तो है, ये देख सकते हैं आप वाह, ये पूरा एमिरेट्स बोइंग जहाज जो है ये पूरा का पूरा ये लोग इन्होंने यहाँ पर ला के डेकोरेट किया है फ्लावर से, अरे पूरा सजा दिया जहाज इन लोगों ने, एमिरेट्स का बोइंग जहाज़ है। और ये भी आप सबको दिखाना था, बहुत ज़रूरी था, और मज़ा आ रहा है बड़ा घूमने में, बड़ा अच्छा लग रहा है।